जीवनदायिनी गंगा नदी लगातार सिकुड़ रही है। उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बने बांधों और इस साल ज़्यादा गर्मी के कारण हरिद्वार में गंगा नहर में पानी भी कम छोड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि पहली बार मई में ही काशी के सामने घाट के पास गंगा नदी के बीच में रेत के टीले उभर आए हैं, जबकि नदी के बीच ये टीले जून में दिखाई पड़ते थे। इन दिनों गंगा नदी के बीच उभरे टीलों पर बैठे मछुआरों को मछली पकड़ते देखा जा सकता है। पानी की मात्रा और नदी के बहाव कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। काशी में रामनगर से राजघाट तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा बाईपास चैनल भी गंगा के बहाव को बाधित कर रहा है। काशी विश्वविद्यालय के महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर BD त्रिपाठी का कहना है कि गंगा में पानी की क्वांटिटी तेजी से घट रही है, इस वजह से धारा का प्रवाह कमज़ोर हो गया है। पानी की धारा कमज़ोर होने पर सिल्टेशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि नदी के बीच में बालू के टीले और सैट आइलैट दिखाई दे रहे हैं। गंगा की रेत पश्चिम की बजाय पूरब के तटों पर ज़्यादा जमा हो रही है। पानी कम होने से गंगा की डायलोशन क्षमता कम हो गई है, इसमें नदी में प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा। प्रोफेसर त्रिपाठी का कहना है कि प्रदूषण तो पहले से ही गंगा के लिए बड़ी गंभीर चुनौती रहा है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने पूर्व उसको बचाना आवश्यक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।